94 and then said, confine yourselves to the bill. I'm here wanting to hear and then wanting to reply. And you've taken a very considered call, sir. I respect your view that you would remove the name of former Chief Prime Minister. Equally, I think quoting Atal Bihari Vajpayee ji in the context of he said she was Durga, we all respect Mrs. Indira Gandhi for her achievements. Of course, we equally remember her for emergency. But I think it's important Vajpayee ji's name being quoted as though he said Mrs. Indira Gandhi is Durga is contentious. There's no proof. There are enough people who said he has not said that. Therefore, even that statement that Vajpayee ji said this should be equally removed. And you've taken a considered call, sir. Why? Mrs. Indira Gandhi is not respected? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Do you have an objection? I said Mrs. Indira Gandhi is respected. Okay. Do you have an objection on that? What is this, sir? Equally, therefore, I appeal to you, sir. You said that will be removed from Sambit Patra's statement. I appeal to you that under 94, if people have spoken beyond 94, and I take the Honorable Member Gogoi's name here, most of his speech was beyond 94. Would you consider please removing that also from the report? Remove Gogoi's complete statement, which was beyond this bill. And equally, the member who said, Chairman, hi, hi, remove that as well, sir. That's my request to you. Please. Vitt Mantri ji ne, ek minute, please. वित्त मंत्री जी ने जो सवाल उठाए हैं, एक मिनट प्लीज बैठिए दादा। वित्त मंत्री जी ने सवाल जो उठाए हैं कि माननीय अटल जी ने क्या बोला है, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी रिकॉर्ड की सत्यता होने के बाद ही जाना चाहिए उस विषय को, क्योंकि वो भी पुरानी घटना थी। नंबर दो, मेरी ये अपेक्षा है माननीय सदस्यों से, सभी दल के सदस्यों से, हम सदन की गरिमा बनाते समय जो बिल है और जो बिल में संशोधन लाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य के उसकी परिधि में बोले हैं। हम यहाँ बिल पर अगर पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे तो इससे सदन की गरिमा बढ़ेगी, और जो विधेयक पे चर्चा होती है, आप अच्छे संशोधन दो, अच्छे विचार दो, बिल में कोई कमी हो और संशोधन करने हैं तो वो विचार दो, देना चाहिए, क्योंकि जितनी विधेयक पर डिटेल चर्चा होगी, सार गर्भित चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से सरकार के विषय ध्यान में आएगा रूल्स बनाते समय भी, और आवश्यकता होगा तो बिल में जो विधेयक लाए गए उनके खंडों पर भी विचार करते हैं। यही सदन की गरिमा रही है, तो मैं सोचता हूं कि इस गरिमा को आप बनाए रखें, सदन में विधेयक पर, एक मिनट प्लीज, विधेयक पर चर्चा करते हुए हम पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में नहीं जाएं। जो विधेयक में संशोधन लाए गए हैं, जो विधेयक के कंटेंट से उसके परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी परंपरा इस सदन की रही, उसको बनाए रखें, यह अपेक्षा आप सबसे। एक मिनट प्लीज, हो गया आपका, हाँ प्लीज कंक्लूड करें, आप भी कंक्लूड करें। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने कंक्लूजन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बैंकिंग सेक्टर के ही और इस बिल के रिलेटेड रखना चाहूँ। दिस बिल बेसिकली इज अ रिफॉर्म बिल फॉर द बैंकिंग सेक्टर। किस प्रकार से हमारे बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म है, अनवरत रिफॉर्म चल रहे हैं, उसी कड़ी में आगे रिफॉर्म कैसे होगा उसकी एक चेष्टा है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के आने के पश्चात हमें जान के ये खुशी होगी, 2014 से 2023 के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली में
लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जो बैंक बैड बैंक लोन के कारण हम जिससे वंचित थे वो रिकवर किया गया है, 10 लाख करोड़ रुपए 2014 से 2023 के बीच में। ये बहुत सारे रिफॉर्म्स, जैसे आज का रिफॉर्म हो रहा है, उन्हीं रिफॉर्म्स के कारण संभव हुआ। आज यहाँ ईडी और सीबीआई की बात हुई, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, मगर दो डेटा है ईडी को लेकर, ये यहाँ जरूर बताना चाहूंगा। बैंकिंग सेक्टर से ईडी ने लगभग 1105 बैंक फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें से जो कॉन्फिसिकेट किया है, अटैच्ड किया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वह 64,920 करोड़ है। 64,920 करोड़ हैज बीन कॉन्फिसिकेटेड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और सबसे बड़ी बात सभापति महोदय, दिसंबर 2023 तक ये जो कॉन्फिसिकेटेड अमाउंट था उसमें से 15,100। All right, viewers, so that was Sambit Patra of the BJP speaking in the parliament. And of course, there is a massive showdown that is unfolding in the amidst the winter session in the parliament right now. Sambit Patra, they're speaking on the Lok Sabha and talking about how the NDA has rescued the Indian banks. And earlier we saw the finance minister Nirmala Sitharaman also speaking. Sambit Patra now speaking on the Ek Hai To Save Hai pitch. And of course, there has been a massive showdown. Kiran Rijiju, the parliamentary affairs minister, also spoke a while back. All right, viewers, now we'll shift our focus to some other stories now. More visuals coming in from Bangladesh.